हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा वर्क पावर एंड एनर्जी के। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कहते हैं वर्क आपका क्या कहते हैं। हमने कहा कि एफ बराबर डब्ल्यू बराबर हमने देखा एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा का जो मान था तीन में हमने देखा, अगर थीटा का मान जीरो हो तो आपका जो डब्ल्यू बराबर है वो आपका एफ इंटू एस होता है। हमने जब थीटा बराबर 90 देखा तो यहाँ पर W का मान क्या हो गया था, जीरो। और जब थीटा का मान हमने 180 लिया था, 180 लिया था, तब W बराबर माइनस एफ इंटू एस। हमने इसका जो नाम दिया था, हमने कहा था ये आपका धनात्मक कार्य होता है, धनात्मक कार्य होता है, ये आपका शून्य कार्य होता है, शून्य कार्य होता है, और ये आपका ऋणात्मक कार्य होता है, ऋणात्मक कार्य। इतना हम लोगों ने पिछले टर्न पे पिछले के कहते पार्ट में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार। हम लोग को देखना है कार्य कितने प्रकार का होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो ये हम लोगों ने कैटेगरी बनाया है, इतने ही टाइप का क्या होता है, वर्क होता है। तो जो कार्य आपका होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला आपका होता है धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। दूसरा आपका होता है शून्य कार्य, शून्य कार्य। और तीसरा आपका होता है ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक। हमने कहा ये तीन प्रकार कार्य होता है। हम लोग समझेंगे कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, इसी से समझें, क्योंकि थीटा का जो मान है वो आपका डिफरेंट होगा, 0 से 360 के बीच में होता है। हम यहाँ से देखेंगे कि 0 से 180 अगर हम लेते हैं तो किस हिसाब से कार्य चेंज होता है, यही हम लोग को देखना। हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो आपका जो कार्य है धनात्मक कार्य, जो धनात्मक कार्य है वो क्या होता है। हमने कहा कि आपका जो पॉजिटिव वर्क है, जो धनात्मक कार्य है, हम लोग यहाँ देखते हैं कि थीटा, जब हमने W बराबर एफ एस कॉस थीटा लिया था तो हमने थीटा का मान क्या रखा, सबसे पहले जीरो। देखिए यहाँ पर कॉस थीटा है, ये क्या है, कॉस थीटा। तो थीटा का जो मान है वो यहाँ पर लेते हैं कॉस 0 अंश, कॉस 30 अंश, कॉस 45 अंश, कॉस 60 अंश, कॉस 90। ध्यान समझिएगा, ये जो कार है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, कॉस थीटा पर। तो हम यहाँ सबसे पहले देखें कॉस थीटा का मान। जब कॉस थीटा का मान जीरो होता है तब उसका मान क्या होता है, एक। जब थीटा का मान जीरो होता है तो उसका मान कॉस थीटा, कॉस जीरो का मान कितना, एक। फिर हम लोगों ने देखा कॉस 30 का जो मान होता है वो आपका होता है √3/2। कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 का मान 0। अगर हम देखें यहाँ पर 0 से लेके यहाँ तक जो आपको मान मिल रहा है सब क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, धनात्मक मिल रहा है। सभी जितने वैल्यू हैं वो क्या है, सब ये सब धनात्मक है। तो अगर हम यहाँ पर मान रखेंगे, यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 0 से लेके कहाँ तक, 89 तक रखेंगे, तो यहाँ पर जो आपका वर्क आएगा वो आपका धनात्मक आएगा, पॉजिटिव वर्क आएगा। तो एक चीज हम यहाँ देखते हैं कि थीटा का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा। तो हमने कहा जो थीटा है, जो थीटा का मान है, अगर 0 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या 0 डिग्री के बराबर होना चाहिए। थीटा का मान 0 अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या 0 अंश के बराबर होना चाहिए। अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो कॉस थीटा का मान कितना आएगा, एक आएगा। जो हमें वर्क मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, अधिकतम कार्य प्राप्त होगा। अगर थीटा का मान 0 से बड़ा होगा तब भी जो वैल्यू हमें मिलेंगी सबके सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगी। अगर ये मान आपका धनात्मक आया है तो जो किया गया कार्य होगा वो भी क्या होगा, धनात्मक। अब बात आई कि थीटा का जो मान है वो कहाँ तक, तो 89 तक, क्योंकि 90 पे ऑलरेडी क्या हो जाता है, 0। और अगर यहाँ कॉस 90 का मान 0 हो गया तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, जो थीटा का मान है वो 90 अंश से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
ठीक है, 90 अंश से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम पॉजिटिव वर्क तभी प्राप्त कर सकते हैं जब थीटा का मान आपका 0 अंश हो या 0 अंश से अधिक हो या 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, तब जो हमारा वर्क मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क कहेंगे, धनात्मक कार्य कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं शून्य कार्य क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है। तो हमने कहा हम जानते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा, हम यहां से लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा का मान 90, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है, तो जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो शून्य कार्य क्या होगा, जब थीटा का मान क्या हो, 90 अंश हो, तो किया गया जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, आपका शून्य कार्य। ठीक है, अब जरा देखते हैं, हमने कहा ऋणात्मक कार्य क्या होगा, ऋणात्मक कार्य निगेटिव वर्ग क्या होगा, आपका निगेटिव वर्ग ये क्या होगा। तो हमने कहा थीटा का मान, जरा देखिए थीटा का मान 90 अंश था तो कितना मिला, जीरो। ऐसे हम लोग देखते हैं जरा इधर, कॉस 120 का मान माइनस एक बटा दो, और इधर देखते हैं कॉस 180 का मान माइनस वन। तो जैसे हमारी वैल्यू, हम जैसे 90 से आगे गए वैसे हमारा जो मान था कॉस थीटा का मान वो किस में मिलने लगा, माइनस में। यहाँ जीरो से 89 तक क्या मिला हमें, पॉजिटिव मिला। 90 से जब तक छोटा था तो हमें जितने कॉस थीटा का मान मिला सबके सब क्या मिला, धनात्मक। इसमें जो किया गया कार्य था वो क्या था, धनात्मक। अब हमने कहा कि जब आपका थीटा का मान 90 से अधिक है, क्योंकि 90 पे जीरो होता है, जैसे 90 से अधिक गया वैसे जो हमें कॉस थीटा का मान मिलने लगा वो किसमें मिलने लगा, माइनस में। अगर हम मान लीजिए, अगर यहाँ पर हम रखते हैं, हमने कहा W बराबर एफ एस कॉस 120 अंश, तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 120 का मान माइनस वन बाई टू, तो यहाँ से माइनस एफ एस बाई टू, तो ये जो आया ना माइनस में, तो जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, 180, क्योंकि 180 का मान क्या होता है, माइनस वन होता है। तो हम यहाँ क्या लेंगे कि आपका जो थीटा का मान है, जो थीटा है वो आपका कितना है, थीटा कितना होना चाहिए, तो जो थीटा है वो कितना, 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्योंकि 90 अगर लेंगे, अगर मैंने लिख दिया 90 के बराबर होना चाहिए तो क्या हो जाएगा, शून्य वर्ग हो जाएगा, जीरो कार्य हो जाएगा। तो 90 से क्या होना चाहिए, थीटा का मान बड़ा होना चाहिए, 91, 92, 100, 110, 120 ये होना चाहिए, और किससे छोटा होना चाहिए, 180। तो जिधर मुंह खुला होता है वो क्या होता है, वो बड़ा माना जाता है, और जिधर बंद होता है वो छोटा। तो थीटा का मान बड़ा होना चाहिए किससे, 90 से। अब यहाँ पर 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 180 से, सॉरी यहाँ पर थोड़ा हमें क्या करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, थीटा का मान यहाँ 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या 180 के बराबर, क्योंकि 180 पर भी क्या होता है, माइनस होता है, तो 180 के बराबर। फिर से समझिए, हमने कहा जब थीटा का मान जीरो, जीरो से लेके 90 के बीच में जितने भी वैल्यू हमें मिलेंगे, कॉस का जितना भी आप मान रख के चलो, चाहे कॉस 60 रखो, चाहे कॉस 45 रखो, चाहे कॉस 50 रखो, सब का सब मान किसमें मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और कॉस जीरो का मान किसमें होता है, प्लस वन होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव में। तो आपका जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए या जीरो से बड़ा। तो जो थीटा क्या होना चाहिए, बड़ा, तो इसलिए जो मुंह खुला है वो किधर है, थीटा की तरफ। थीटा क्या हो गया, बड़ा, कौन हो गया, जीरो, छोटा। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, थीटा 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 89 तक लेके चलेंगे क्योंकि 90 पे जीरो हो जाएगा। तो थीटा 90 से छोटा होना चाहिए, मतलब कौन बड़ा होना चाहिए, 90 बड़ा होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो थीटा क्या हो गया आपका, छोटा, क्योंकि इधर क्या हो गया, ये बंद है, जिस चार्ट बंद होता है वो क्या माना जाता है, छोटा माना जाता है, और जिधर खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। थीटा बराबर कितना, 90। अब यहां हमने कहा कि 90 जब ऋणात्मक कार्य हम देख रहे हैं, तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, 90 अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो किसे छोटा होना चाहिए, 90 को, तो इसलिए 90 में क्या हो गया, ये 90 क्या है, छोटा, इधर बंद है और ये खुला है, तो थीटा क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। और किससे छोटा होना चाहिए थीटा, 180,
180 के बराबर या 180 से छोटा होना चाहिए। तो 180 से छोटा होना चाहिए तो कौन बड़ा होना चाहिए, 180 बड़ा होना चाहिए, तभी तो थीटा क्या होगा 180 से छोटा होगा। तो हमने क्या किया, 180 के साइड क्या कर दिया, इस मुंह को खोल दिया और इधर क्या है, ये बंद है, तो थीटा क्या हो गया 180 से छोटा। लेकिन हम जानते हैं 180 का मान भी क्या होता है, माइनस वन होता है, तो 180 भी हम लेकर चलेंगे। इसलिए आपका यहां पर क्या हो गया, 180 के बराबर। ठीक है, तो यह कार्य आपका तीन प्रकार का होता है, धनात्मक कार्य, शून्य कार्य, जीरो वर्क जिसे हम लोग कहते हैं, और यह आपका ऋणात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, निगेटिव वर्क। क्लियर है, यह आपका टोटल वर्क के बारे में था, वर्क से रिलेटेड जितनी थ्योरी थी हमने बता दिया। अब हम यहां पर क्या कहते हैं, अगले पार्ट में देखेंगे कि वर्क पे आधारित, इस वर्क वर्क में जो हम लोगों ने फार्मूला देखा, पहला जो हम लोगों ने फार्मूला देखा वो आपका W बराबर F इंटू एस था, दूसरा हमने देखा W बराबर F S cos थीटा था। इसी से निकल के आया कई रूप, हमने कहा थीटा बराबर जब जीरो था तो हमें जो वर्क मिला वो क्या मिला, कि कहते हैं W बराबर F S मिला, और इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, मैक्सिमम वर्क दिया, क्या नाम दिया, मैक्सिमम वर्क हमने नाम दिया, अधिकतम कार्य। तो अधिकतम कार्य कब प्राप्त होगा, जब थीटा क्या हो, जीरो। थीटा क्या है, एफ और एस के बीच का कोण है, मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, तब जो कोण होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, तब थीटा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो W बराबर F इंटू एस किया गया, जो कार्य होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरा हम लोगों ने थीटा बराबर क्या लिया था, 90, तो हमने W का मान जो मिला था वो क्या मिला था, जीरो मिला था। W का जो मान मिला था वो क्या मिला था, जीरो। इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, जीरो वर्क कहेंगे, क्या कहेंगे, जीरो वर्क कहेंगे। क्लियर है, अब हम लोगों ने देखा था थीटा जो मान आया था वो 180 आया था, तो हमने W बराबर माइनस F इंटू एस पाया था, और ये कब होता है, जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। ठीक है, तो ये इतना हम लोगों ने देखा। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज देखा, जो वर्क आपको होता है, जो वर्क का मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल, और जूल किससे बनता है, न्यूटन इंटू मीटर से बनता है, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर।